बन रहा है, प्लान बन रहा है, बस उसको ना एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा टाइम जा रहा है, क्योंकि ना मेरी प्रिपरेशन अभी ढीली ढाली सी चल रही है, ज़्यादा पीक पे नहीं है कि हाँ भाई अच्छे से मैं प्रिपेयर कर सकूँ सारी चीज़ें। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड, वेलकम बैक टू द चैनल, राम राम भाई सबको। और लगभग टाइम हो गया भाई 9:15 के करीब टाइम हो चुका है, और अभी अभी मैं मंदिर से होके आ रहा हूँ। ये कुछ माहौल है भाई सुबह सुबह, तो ठीक है भाई अभी चाय नाश्ता करते हैं और फिर अपने काम पे चलते हैं, और दिन की शुरुआत करते हैं बूढ़े बाबा जी का नाम लेके, हर हर महादेव, वैसे ब्लॉक में बने रहो, वही करते हैं दिन की शुरुआत। सो गाइस मंदिर होके आ चुका हूँ मैं, और बस अभी जूते पहन के सीधा निकल रहा हूँ इतनी जल्दी। खाना भाई मैं सोच रहा हूँ कि एक तो काम जल्दी है वो करके फिर आके खाऊंगा, और फिर से जाऊंगा भाई, फिर वही शाम को 5 बजे आऊंगा, पर ये छोटे मोटे काम निपटा जाता हूँ, फिर खाना खा के और फिर चलेंगे। मैं जल्दी से जूते पहन लेता हूँ। गाइज भाई मैं जाके एक बार वो काम आ गया था, और अभी खाना खा लिया भाई, और अब निकल रहा हूँ फिर से वापस से अपने काम पे, तो अब भाई वापस 5 बजे आऊँगा, तो चलो भाई चलते हैं। भाई लगभग टाइम हो गया 3:30, और अब आपको सीधा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में मिलता हूँ। और मैं निकल गया हूँ भाई अभी, और आज थोड़ा सा जल्दी निकल गया भाई, थोड़ा जल्दी फ्री हो गया था, फ्री तो नहीं हुआ था मतलब छुट्टी लेके आ गया भाई, और कुछ काम है इसीलिए थोड़ा जल्दी आ गया, और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं ब्लॉग शूट कर पाऊँगा, तो इससे अच्छा है कि मैं मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में ही आ गया था। बस अभी मोटो ब्लॉग स्टार्ट किया आज, तो भाई लगभग कम से कम भी 5-6 महीने बाद व्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं, मोटो व्लॉगिंग, सॉरी व्लॉगिंग तो रोज ही होती है, मोटो व्लॉगिंग 5-6 महीने बाद हो रही है। बाकी मज़ा तो नहीं आता इसमें, इस चेस्ट माउंट में मोटो व्लॉगिंग करने का मज़ा नहीं आता, जो हेलमेट माउंट लगा के करने में मज़ा है ना वो अलग ही है यार, उसमें फील ही अलग आती है मतलब, ठीक है। और सूर्यदेव बिल्कुल प्रकोप झाड़ रहे हैं, सुबह सुबह तो थोड़ी बहुत हवा चलती है, वैसे अभी तो मौसम ठीक है, लगभग दिन में 20-22 डिग्री रहता है, और सुबह सुबह लगभग 9 से 12 के बीच में रहता ही है रोज़ डेली की रूटीन में देखे तो। और अब भाई जाम भी बहुत मिलेगा, पूरे शहर में जाम ही जाम मिलेगा, देख रहे हो, तुम्हें नज़र आ ही रहा होगा जाम। बाकी जाम की बात नहीं करनी अपने को, और बातें करते हैं आपसे, और आप लोग पूछ रहे थे ना भाई कि नेक्स्ट ट्रिप कब भाई कब, तो तुम्हें मैं जैसे कि मैंने बताया था ना एग्ज़ाम है भाई, वो एग्ज़ाम तो हो चुका मेरा, उसके बाद अभी एक दो काम और हैं जो मैं सोच रहा हूँ कि वो मैं प्रिपरेशन करने के बाद ही निकलूँ यहाँ से, क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं होंगे ना तो फिर जाने का मज़ा नहीं है, फिर बीच बीच में ऐसे ही आना पड़ता है वापस, तो इससे अच्छा है कि मैं अपने सारे काम निपटा के फिर ही जाऊँ, तो सारे काम निपटाने के बाद ही जाऊँगा, ठीक है। और ये भाई नीचे उतारनी पड़ेगी मेरे को रोड से बाइक, देखिए वो कैसे हाथ हिला रही थी भाई लड़की। भाई मैं अपने ना सारे काम वाम निपटा के ही जाऊंगा नेक्स्ट ट्रिप पे, और नेक्स्ट ट्रिप का प्लान भी बहुत तगड़ा वाला बन रहा है, अभी बन रहा है, प्लान बन रहा है, बस उसको ना एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा टाइम जा रहा है, क्योंकि ना मेरी प्रिपरेशन अभी ढीली ढाली सी चल रही है, ज़्यादा पीक पे नहीं है कि हाँ भाई अच्छे से मैं प्रिपेयर कर सकूँ सारी चीज़ें, और उसको प्रिपेयर करने के बाद ही निकलने का मजा है, क्योंकि ना बीच बीच में वापस आते हैं ना फिर टाइम भी ख़राब होता है और सारा स्केड्यूल बिगड़ जाता है मेरा, तो इससे अच्छा है कि मैं अपना सारा काम समेट के और फिर ही निकलूँ आराम से, और अभी आराम से मतलब कि टाइम तो लगेगा भाई निकलने में। और ये देख रहे हो ये है बीस्ट जो मेरे सामने चल रही है, एक नंबर नहीं लग रही है,
भाई साहब आर्मी की गाड़ी तो अलग ही होती है यार, आर्मी वालों की तो बस अलग ही सिस्टम है, अलग ही मज़ा है। मतलब हर कोई आर्मी में भी नहीं होता भाई, बट आर्मी जान है अपने देश की, नहीं है बता देना भाई कमेंट सेक्शन में लिख के। और अभी यहाँ पे जाम लग चुका है, बस इस जाम की वजह से ही मेरे को लेट होना पड़ता है रोज़ रोज़। मैं नहीं चाहता मैं रोज़ रोज़ जाम की वजह से लेट हूँ। और अभी तो मेरे को जल्दी से जल्दी निकलना है यहाँ से, क्योंकि मैं मेरे को कहीं पे जाना है यार इसके बाद। उसके बाद पता नहीं मैं ब्लॉगिंग कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, तो इस वजह से मैं अपना सारा काम समेट के फिर ही निकलूँगा ना, तो इधर के ना इधर के। चल भाई देख रहे हो ऐसे, तेरे यार दी गड्डी चले ट्रिपल 01 विच बजैरो दे रख ली दसी। ला भाई खेचम खेच आ गया बालों। अच्छा अरे ताऊ पूरा देख रहे हो कितना, पूरा बड़ा शहर चीर के आना पड़ता है, मतलब चीर के मतलब पूरा शहर क्रॉस करना पड़ता है अपने घर से, कितना दूर पड़ता है यार सब कुछ। और अभी तो मैं यहाँ पे PLA में ही पहुँचा हूँ, PLA के पास मतलब टाउन पार्क के पास पहुँचा हूँ अभी। एक तो ये बच्चे यार छोटे छोटे मन के सच्चे अकल के कच्चे, कोई नहीं चलो आज तो इस बाइक को भी खींचने में मज़ा आ रहा है। क्या कर रहे हैं भाई ये लो जी भाई, बस वाले ने हटा दिया आगे, अभी तो निकल नहीं सकते इससे, लेफ्ट साइड से ओवरटेक करनी पड़ेगी क्योंकि अभी इस साइड से राइट साइड से जगह ही नहीं देगा, तो क्या ही कर सकते हैं। अब तो भाई लेफ्ट से निकल के वापस आ गए अपने रोड पे, और देख रहे हो कितनी शांति हो रखी है भाई, मतलब मेरे को शांति लग रही है आज अलग ही शांति है आज तो भाई। मतलब मैं थोड़ा सा आधा घंटा जल्दी आ गया, आधा पौना घंटा, पर ना तो शांति तो भंग ही रहती है शहर के अंदर, तुम्हें पता है चै चै पै पै लगी रहती है 24 घंटे। कुछ एक दो प्लान्स पे ना मैं वर्क कर रहा हूँ अभी, तो ना उसके लिए मेरे को थोड़ा सेटअप चाहिए, मतलब ना एक तो अपने यहाँ पे इंटरनेट बंद हो रखा है, इंटरनेट बंद है अपने हरियाणा में कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो उसमें से हिसार भी एक है, तो बस थोड़ा बहुत कुछ ना करने के लिए भाई, प्लान करने के लिए काम करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो मैं दिखाऊंगा भाई हिसार को ही अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे अपना, हिसार को ना मतलब शॉर्ट फॉर्म में दिखाऊंगा तुम्हें कि हिसार में भी बढ़िया चीज़ें हैं भाई। कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना। और नींद इतनी जोर की आ रही है, पता नहीं है भाई बहुत जोर की नींद आ रही है, मेरा तो मन भी नहीं कर रहा एडिट करने का, बट करके सोऊंगा वरना कल सुबह फिर यार ऐसे ही रहेगा ऊपर नीचे माहौल। तो ठीक है इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना, फिर मिलेंगे एक और नए व्लॉग में एक और नए दिन के साथ। ओके बाय, गुड नाइट, बाय बाय।